next question question says two cars moving in opposite direction approach each other with speed 22 meter per second and 16.5 meter per second respectively driver of the first car blows a horn हैविंग अ frequency ऑफ़ 400 हंड्रेड हर्ट्स सवाल ये फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकेंड कार यहाँ पे अपने को दे रखा है वेलासिटी ऑफ साउंड हम ले सकते हैं थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड और अपने ऑप्शन है थ्री सिक्सटी वन फोर हंड्रेड एलेवन या फिर फोर फोर्टी एट या फिर थ्री फिफ्टी हर्ट्स ना आसान सवाल है डायरेक्ट यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डॉपलर इफेक्ट से हमें यह पता है कि एफ डैश है जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ डैश जो आपकी अपेरेंट है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं वेलासिटी ऑफ़ साउंड माइनस उसको लिखते हैं हम वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस आपकी वेलोसिटी ऑफ ये आपका सोर्स है मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ना ऑलाइट ये यहाँ पे ऊपर प्लस आएगा right, प्लस होएगा वेलोसिटी वेलासिटी सो right. so, इसकी वैल्यू अपने को दे रखिए डेटा रख के आंसर आ जाएगा ये हो गया थ्री फोर्टी प्लस सिक्सटीन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई थ्री फोर्टी माइनस ट्वेंटी टू मल्टीप्लाइड बाई एफ एफ़ की वैल्यू मेरे ख्याल है चार सौ है यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लें चार सौ है सो इसके बेसिस पे इस बस कैलकुलेट करके अपना आंसर आ जाएगा सो so, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपकी एफ़ डैश की अप्रोक्सीमेटली फोर फोर्टी एट मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली इस रेंज में आपका आंसर आ जाएगा राइट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी फोर फोर्टी एट हर्ड्स वुड बी द राइट आंसर